हाल कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग, अभी टाइम हो रहा है 4:45। मैंने स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग शाम से, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल किया जाए। और मैंने आज ये येलो सूट पहना है, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं तृप्ति जी, शायद हाँ नाम उनका तृप्ति ही है, उन्होंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आप येलो सूट पहनो, येलो सूट पहनो। तो लो तृप्ति, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये सूट फिर से वेयर कर लिया है। वैसे मैं पहले पहन चुकी थी ये सूट, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैम प्लीज़ 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 दी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी करती हूँ और आज के दिन को थोड़ा स्पेशल बनाती हूँ। तो आज मैं आपको बता दूँ, आज का दिन है मेरे लिए बहुत खास। आज है 10th of April, मतलब आज के दिन ही हमारी इंगेजमेंट हुई थी, तो आप बोल सकते हैं हमारी इंगेजमेंट सेरेमनी है आज, वही दिन है। तो इसी समय मेरी इंगेजमेंट और मेरी गोद भराई चल रही थी, तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग भी अभी से स्टार्ट करती हूँ और आज करती हूँ कुछ स्पेशल। तो बाहर तो जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज फिर से केक बनाते हैं। तो पहले मैंने सूजी का केक बनाया था आप लोगों के साथ, आप लोग को बहुत पसंद आया और वो वाकई बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज मैं बनाने वाली हूँ पार्ले जी के बिस्किट से केक। तो पार्ले जी के बिस्किट से कैसे केक बनेगा वो भी आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेलिब्रेशन भी है और केक की रेसिपी भी है। तो चलिए चलते हैं किचन में, अपने केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना, और आपको भी बता दिखाती हूँ कि इन लॉकडाउन के डेज़ में मैं कैसे अपनी इंगेजमेंट डे जो सेलिब्रेशन है वो मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मैंने बहुत सिंपल सा मिनिमल मेकअप किया, कुछ भी नहीं, फेस पे कुछ नहीं किया है और सिर्फ आईब्रोज हैं। आईब्रोज तो बहुत बढ़ गई हैं, देखिए थ्रेडिंग बनी नहीं है और अभी जा भी नहीं सकते हैं, तो अभी तो थ्रेडिंग करवाने का मतलब नहीं है। सिर्फ लिपस्टिक है और बिंदी और हल्का सा काजल है और कुछ भी नहीं है। और ये वाला येलो वाला सूट है, चलिए दूर से आपको पूरा सूट फिर से दिखा देती हूँ। तृप्ति जी की रिक्वेस्ट पे मैंने ये सूट पहना है, उन्होंने बोला था, तो ये देखिए इसका पीछे ऐसा गला है और ये दुपट्टा है, फुलकारी टाइप दुपट्टा है, ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, ये देखिए। तो ये सूट है, लंच के बाद के सारे बर्तन मैंने जो वॉश करके रखे थे वो सब मैंने जगह पे रख दिए हैं, क्योंकि वो गीले थे, तो अभी वो सब सारा पानी उसका ड्रेन हो चुका है। अब मैंने वो सारा किचन पूरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ बनाना है अपना केक, तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। चलिए बताती हूँ आपको कि पार्ले जी केक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उसके पहले मैं यहाँ पर एप्रन निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एप्रन पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है केक, तो पहन लेना चाहिए मुझे एप्रन। और ये एप्रन मेरी शादी से पहले का है, जब मैंने सिलाई सीखी थी तब मैंने बनाया था और ये तब से रखा हुआ है। तो देखिए इसमें आयरन भी नहीं है, तो काफ़ी इसमें सिलवटें आ गई हैं, बट कोई बात नहीं। तो आज का केक मैं बना रही हूँ यहाँ पार्ले जी के बिस्किट से, ये देखिए मेरे पास ये पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ है, इसमें हम सारे इन्ग्रीडियंट डाल देंगे। अगर आपके पास और कोई बिस्किट है तो आप उससे भी बना सकते हैं, मेरे पास ये है, तो इसमें दो बिस्किट का पैकेट डाल रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी शुगर, तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते ही हैं। और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, थोड़ा ही डाल रही हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो वो और डाल देंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, जो कि 1 टेबल स्पून के आसपास होगा, और एक चुटकी मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ डालना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ चॉकलेट। तो अगर आपने अपना बिस्किट पीसा नहीं है, मतलब ग्राइंड नहीं किया है, तो आप चॉकलेट को गर्म दूध में मेल्ट करके डाल दीजिए, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी डाल दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चलिए इन सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेते हैं।
इसमें मुझे थोड़ा दूध कम लग रहा है तो मैं दूध और डाल देती हूँ। यहाँ पे ये तवा रख दिया है और आज मैं तवे में ही बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल, बटर या घी जो भी लगाना चाहें वो लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है और मेरा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपने बैटर को जो हमने पीसा है, ग्राइंड किया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और जो इसमें आप लम्स देख रहे होंगे वो थोड़े थोड़े चॉकलेट के लम्स हैं। अब लास्ट में मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाल दूंगी। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए या फिर किशमिश डाल दीजिए या जो भी आप जो चाहें वो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए हमारा बैटर तैयार है और हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब मैं इस तवे के ऊपर एक ढक्कन, मतलब इस फ्राई पैन को अच्छे से ढक दूंगी फ्राई पैन के ढक्कन से, और इसको और अच्छे से टाइट से, जैसे एयर ना निकले, तो उसके ऊपर मैंने कप रख दिया है। अब इससे एयर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब हमें इसे 20 मिनट पकाना है। तो मैंने अपने केक को रख दिया है बेक होने के लिए। आज मैं तवे पे बना रही हूँ। इसके पहले मैंने कढ़ाई पे बनाया था तो वो बहुत अच्छा बना था। चलिए, जो थोड़ा बहुत मैस है उसको क्लीन कर लेते हैं। अभी 10 मिनट हो गए हैं और अभी तक केक पका नहीं है। मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा खोल के चेक किया था कि पका कि नहीं पका, तो वो अभी हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट और हो जाएं, 10 मिनट, तब मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर बीहू आ गई है। बीहू, हाय। आज मम्मा क्या बना रही है? केक बना रही है। किसके लिए? आपके लिए। अच्छा, तो आज बीहू के लिए केक बन रहा है। और तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी इंगेजमेंट की वो भी देखने वाले हैं, क्या कैसेट फ़ोटोज़, तो वो मेरे लैपटॉप पे है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम दोनों लोग देखेंगे। कम से कम जब एनिवर्सरी, बर्थडे ऐसा कुछ हो, शादी की एनिवर्सरी, तो ज़रूर देखने चाहिए अपने फ़ोटोग्राफ्स, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को क्या फील होता है ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। आपको जो बोलना है वो बोलो। आप कुछ कहना चाहते हो तो जाओ फिर प्ले करो। तो चलिए, अभी हार्ड डिस्क निकालती हूँ और लगाती हूँ फ़ोटोज़, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ टिकटॉक बना रही थी, वो मैंने टिकटॉक पे डाल दिया है। अगर आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा। टिकटॉक की मेरी आईडी है इंडियन ब्लॉगर बुलबुल, मेरे चैनल के नाम पे सेम आईडी है। और अभी 15 से 20 मिनट हो गए, मतलब 20 मिनट हो गए। चलिए चेक करते हैं अपने केक को, कितना पक गया है हमारा केक। अच्छी सी आ रही है, खोलते हैं इसको। ये देखिए, अभी 20 मिनट हुए हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये पका है। तो अभी तो दिख रहा है कि पका नहीं है, बट फिर भी ये देखिए, अभी इसमें 5 मिनट और है कि 5 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं। केक पक रहा है, चलिए चलते हैं वर्मा जी के पास और पूछते हैं तो क्या है आज और क्या स्पेशल है, कैसा लग रहा है उनको। तो हेलो वर्मा जी। हेलो। एक सेकंड, मैं फ़ोन को पहले सेट कर देती हूँ। कहाँ पे सेट करूँ? तो फ़ोन मैंने इधर सेट कर दिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं अपनी इंगेजमेंट की पिक्स। वीडियो भी होगा, पिक्स क्या, वीडियो भी होगा। तो कैसा लग रहा है आज आपको, क्या है आज आपका? 9 साल हो गए, पता नहीं चला। मतलब अच्छा, जब पार्टनर होता है तो टाइम पता नहीं चलता, वरना तो घुट घुट के जीना पड़ता है। तुम्हें तो पता चल रहा होगा। मुझे तो पता ही नहीं चला। कहते हैं अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो टाइम यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। और अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो घुट घुट के जीना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटोज़ हैं कहाँ। क्या था, एक हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो करप्ट हो गई है, मतलब उसका सारा डेटा उड़ गया है। तो देखते हैं, मिल रही है शायद, नहीं मिल रही है, पता नहीं। तो
तो एक मिनट मैं केक बन करके आती हूँ। मैंने केक बन कर लिया है और उसको हम 15 से 20 मिनट आराम से रूम टेम्परेचर में होने देंगे, जिससे कि वो इजीली साइड से निकल आएगा। और स्टिल हम लोग ढूंढ रहे हैं अपनी इंगेजमेंट की फ़ोटोज़, लगता नहीं देखने को मिलेगा। मेरा तो फ्लॉप, शायद प्लान शायद फ्लॉप हो जाएगा क्या, मैंने सोचा था कि देखूंगी, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो अभी हम लोग की फोटोज मिल गई हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको भी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बैठ करके अपनी फ़ोटोज़ इन्जॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे मैंने इंगेजमेंट का पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। तो कैसी लग रही है ये फ़ोटोज़ मेरी ज़रूर बताइएगा, और कैसे दिख रहे थे हम लोग देखिए तो, कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और कितना 9 साल हो गया, समय यूँ ही निकल गया। और देखिए तब कैसे दिखते थे और आज कैसे दिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब पीहू से पूछते हैं। पीहू, आप नहीं हो इन फोटोज में, कौन चली गई? मैं अपने घर पे हूँ ना। अपने घर पे? हाँ। कहाँ है आपका घर? इंगेजमेंट में आप तो हो ही नहीं। मैंने फर्स्ट डे होता है, तो फोटो देख के कैसा लगा आपको? फोटो देख के बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी। और पीहू से पूछा कि अभी अभी कि आप कहाँ थी, तो पीहू बता रही कि कहाँ थी पीहू, आप बताओ थी? आप इंगेजमेंट में नहीं हो? तो मुझे इनको जरूरत नहीं पड़ी इसलिए एंगेजमेंट में नहीं आई, इनका मतलब ये है। चलो कोई बात, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और तो आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों ने फोटो देखा, आप लोग भी जरूर अपनी शादी पार्टी एंगेजमेंट में फोटोज देखा करें। लॉकडाउन नहीं होता तो कहीं घूमने भी जाते, लेकिन लॉकडाउन है तो अब घर में पिक्चर ये देख रहे हैं, अपनी फोटोज देख रहे हैं। और मैं केक बना रही हूँ, इन्होंने केक बनाया हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी द होल सेलिब्रेशन टुडे। चलिए फिर केक ले आते हैं और फिर कटिंग करते हैं अपने केक की। चलिए, आप भी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए अपना केक देख लेते हैं, मैंने तो बंद कर दिया था बीच में ही, और बहुत बढ़िया सा अपने आप साइड से वो हट गया है, मतलब कि निकल आया। मैं दिखाती हूँ आपको, साइड से वो अपने आप ही छूट गया है, और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बेक हुआ है, ये देखिए।
तो मैं यहाँ पे अपने केक की आइसिंग कर रही हूँ, मतलब उसको डेकोरेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बादाम और अखरोट लिया है। आप लोग जिस चीज़ से चाहें उस चीज़ से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तैयार है यहाँ हमारा यम्मी यम्मी सा होम मेड केक, तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाया तो वो कैसा बना। चलिए अपने केक को लेकर के चलते हैं और केक कटिंग करते हैं, बहुत देर हो रही है, चलिए साथ में चलते हैं। अभी हम लोग ने अपना केक लाइट जला ली है, मतलब ये कैंडल जला ली है। फोटो ले लीजिए, और खा के बताते हैं आपको केक कैसा बना है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ड्राई फ्रूट से मैंने आज इसकी गार्निशिंग, मतलब क्या बोलते हैं, आइसिंग करी है। चलिए आ जाओ, पियो कम कम पियो कम। चलो प्यू आ जाओ, कम प्यू कटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पीयू का बर्थडे आ रहा है ना अभी। हाँ, पीयू के बर्थडे में हम केक फिर से बनाएंगे। कब है पीयू का? पीयू बेटी का बर्थडे कब है बताओ? ये 26 उधर उधर देखो। बहुत अच्छा बना है। बस शुगर थोड़ी कम हो गई है, आपने बोला कम डालना, लेकिन अच्छा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो चलिए फिर अब ये व्लॉग मैं इसी के साथ यही फिनिश कर देती हूँ। आज का यही था हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी सेलिब्रेशन, जो कि लॉकडाउन के चलते हुआ हमारे घर पे। तो बस कैसा लगा ब्लॉग केक का? अगर आपने ऐसा केक बनाया है और अच्छा बनाया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो अच्छा बना है, बट बहुत अच्छा बोलो तो नहीं कह सकते। सूजी वाला इसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छा था। हाँ, सूजी वाला ज़्यादा अच्छा था। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग फिनिश करते हैं। आज हम तीनों लोग आपको बाय बोलेंगे। बाय बाय, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय बाय।